Swayam Prabha Digital India Educated India Namaskar मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया मेरे इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवान और इस श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवन में आज मैं व्याख्यान लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है अस्थाई और स्थायी छठनी की संकल्पना हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक स्थापनाओं में कर्मचारियों की छटनी होती है कभी कभी वो छटनी स्थायी छटनी होती है कभी कभी वो छटनी अस्थायी छटनी होती है तो उसी स्थायी और अस्थाई छटनी की की संकल्पना को समझने के लिए इस व्याख्यान में हम प्रयास करेंगे इस व्याख्यान का उद्देश्य होगा स्थायी और अस्थाई छटनी के अर्थ को समझना तत्पश्चात स्थाई और अस्थाई छटने की संकल्पना को समझना इसके पश्चात हम तकनीकी सेंस में इसकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करेंगे हम स्थाई और अस्थाई छटने की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम स्थाई और अस्थाई तकनीकी की पूर्व आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करेंगे इसके साथ ही साथ हम स्थाई और अस्थाई छटने की जो जो प्राहिबिशन है जहाँ पर स्थायी और अस्थायी चटनी को निषेध किया गया है राज्य के द्वारा उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे और अंत में हम इस इस व्याख्यान में स्थायी और अस्थायी छटनी की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे स्थायी और अस्थाई छटनी हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक नियोजन में नियोक्ता के द्वारा कर्मकार को नियोजन का प्रस्ताव रखा जाता है या नियोजन दिया जाता है और नियोक्ता के द्वारा किसी कर्मचारी को नियोजन देने का उद्देश्य उसके सहयोग से उत्पादन को सुनिश्चित करना और अगर हम वृहद अर्थों में देखें तो उस नियोक्ता का नियोजन देने का तात्पर्य उस नियोक्ता का नियोजन देने का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ा करके अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करना है अगर उत्पादन बढ़ेगा उद्योग में उत्पादन बढ़ेगा तब उस उद्योग के आर्थिक हितों के माध्यम से उस नियोक्ता और साथ ही साथ कर्मचारी के आर्थिक हितों की सुरक्षा हो पाएगी अगर हम नियोक्ता के आर्थिक हितों की बात करें अगर किसी कारणवश किसी परिस्थिति में नियोक्ता किसी कर्मचारी को काम देने में सक्षम नहीं है तो क्या ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि नियोक्ता उस कर्मचारी के नियोजन को लागू रखे उसको कंटिन्यू रखे क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जहां नियोक्ता आ, कर्मचारी को नियोजन देने में असमर्थ है असक्षम है वहाँ पर उस नियोजन की संविदा को समाप्त कर दिया जाए अस्थाई प्रकृति में या स्थाई प्रकृति में जिससे कि नियोक्ता पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव न पड़े इसी संदर्भ में हम स्थाई और अस्थाई छटने की संकल्पना का आ, की चर्चा करेंगे हम जानते हैं कि प्रबंध अक्सर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने और बर्बादी से बचने के लिए उपाय करता है किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रबंध होता है जो मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट का हमेशा और हमेशा प्रयास होता है खर्चों को कम करना और यह एक सामान्य सी संकल्पना है कि जब आपको अपने लाभ को बढ़ाना है तो आपको अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा इसी संदर्भ में अगर किसी उद्योग में कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि किसी कर्मचारी के लिए कार्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में उस कर्मचारी को बिना कार्य के उसको मजदूरी देना इस नियोक्ता के लिए असामान्य रूप से एक आर्थिक दबाव उत्पन्न करना है ऐसी स्थिति से बचने के लिए नियोक्ता को कुछ दशाओं में अधिकार दिया गया है कि वह नियोजन की संविधा को या तो अस्थायी रूप से स्थायी रूप से बंद कर सकता है ऐसे उपायों का कभी कभी कामगारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है इसमें कोई संशय नहीं है कि जब भी कोई नियोक्ता यह निर्णय लेता है कि वह किसी कर्मगार किस का अस्थायी और अस्थायी रूप से छटनी करेगा तो ऐसे में उसका डायरेक्ट उसका प्रत्यक्ष आ, आ, प्रभाव आ, कर्मकार पर पड़ता है यहाँ पर नियोक्ता के आर्थिक हितों की सुरक्षा हो रही है और दूसरी तरफ आ, कर्मचारियों के आर्थिक हित समाप्त हो रहे हैं ऐसी स्थिति में बहुत ही समझदारी के साथ इस आ, प्रावधान को जानने समझने की आवश्यकता है तथा तो साथ ही साथ राज्य का इसके द्वारा एक कठोर क्रियान्वयन किया जाए जिससे कि किसी उद्योग में अननेसेसरी छटनी ना किया जा सके उदाहरण के लिए अगर किसी उद्योग में कोयले की कमी है किसी उद्योग में कच्चे माल आदि की कमी है और उसके कारण प्रबंध अस्थायी रूप से कुछ श्रमिकों को सेवाओं की आवश्यकता से बाहर करता है नियोक्ता को श्रमिकों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस समय उद्योग में या तो कच्चे माल उपलब्ध नहीं है या तो उसके यहाँ जो बिजली है जो कोयला है जो पावर का एक माध्यम है वह उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में नियोक्ता को कुछ कुछ परिस्थितियों में यह अधिकार दिया गया है कि वह नियोजन की संविदा को निरस्त कर सकता है या फिर अस्थायी रूप से बंद कर सकता है ऐसी स्थिति में किसी नियोक्ता को अस्थायी रूप से सामान्य क्षमता वाले श्रमिकों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है हम सभी जानते हैं कि जब कच्चे माल की कमी है या फिर बिजली या कोयले की उपलब्धता नहीं है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी उद्योग में मशीन उपलब्ध नहीं है मशीनें ख़राब हो गई हैं और और उनको बनने में या फिर नई मशीन आने में बहुत ज़्यादा समय लगने का उम्मीद है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता उस उस नियोजन की संविदा को अस्थायी रूप से बंद कर सकता है और उस सक्षम कर, कर्मचारियों को जो कार्य करने के लिए योग्य हैं, उनको काम से हटा सकता है क्या ऐसी स्थिति में प्रबंधन कर्मियों की सेवा समाप्त कर सकता है क्या ऐसी स्थिति में प्रबंधन को निर्बाध शक्ति प्राप्त है किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के लिए हम सभी जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में प्रबंधन सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने की उम्मीद करता है और कर्मचारी पुनः काम पर आने की उम्मीद करता है अगर किसी उद्योग को अस्थायी रूप से केवल बंद किया जा रहा है कच्चे माल की कमी के कारण कोयले की अनुपलब्धता उपलब्धता के कारण बिजली की अनुपलब्धता के कारण तो ऐसे में अस्थायी रूप से उस उस उद्योग को बंद करने के पीछे का आ, जो जो मंतव्य है वह यह है कि जैसे ही ये परिस्थितियाँ दूर होंगी जैसे ही कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा जैसे ही बिजली और कोयले उपलब्ध हो जाएंगे वहाँ पर उद्योग में उत्पादन फिर से शुरू हो जाएगा और कर्मचारी भी ये मंतव्य रखते हैं कि ऐसी स्थिति में वह पुनः कार्य पर लौटेंगे ऐसी परिस्थिति में आ, हम सामान्यतः स्थाई और अस्थायी छटनी की बात करते हैं जिसको अंग्रेजी भाषा में ले ऑफ़ और रिट्रेंचमेंट शब्द से जाना जाता है ले ऑफ एक अस्थाई छटनी है और रिट्रेंचमेंट एक स्थायी छटनी है यहाँ ले ऑफ में यहाँ स्थाई अस्थायी छटनी में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का जो अनुबंध है जो नियोजन की संविधा है वो केवल कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाती है और दूसरी तरफ जब हम स्थाई छटनी की बात करते हैं रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का जो अनुबंध है वो समाप्त हो जाता है इनके बीच का संबंध समाप्त हो जाता है ले ऑफ में श्रमिकों को सेवा मुक्त नहीं किया जाता है अस्थायी छटनी में श्रमिकों को सेवा मुक्त नहीं किया जाता लेकिन उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती है अर्थात उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ खर्चे नियोक्ता के द्वारा दिए जाएंगे उनको पूरी मजदूरी नहीं दी जाएगी लेकिन उनके पास काम भी नहीं है ऐसी स्थिति में एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या उन स्थितियों के दौरान वह कर्मचारी किसी और नियोजन में जा सकता है या नहीं औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस ऐसी दशाओं में अस्थाई छठनी की दशा में ऐसे कर्मचारियों को दूसरे नियोजन में जाने की अनुमति नहीं देता है इसी संदर्भ में ले ऑफ मुआवजे का अधिकार का की संकल्पना स्थापित की गई है अगर अगर अस्थायी रूप से छटनी हो रही है तो वहाँ पर या फिर स्थायी रूप से छटनी हो रही है तब वहाँ पर भी जो कर्मचारी है जिनका ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट हो रहा है उनको मुआवजा भी दिया जाता है उसका भी प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में किया गया है अस्थाई छटनी का अर्थ हम सर्वप्रथम अस्थायी छटनी उसकी प्रक्रिया उसके निषेध उसकी आवश्यकताओं को जानेंगे तत्पश्चात हम जो स्थायी छटनी है रिट्रेंचमेंट है उसके मी उस, उसके अर्थ को उसकी प्रक्रिया को उसकी पूर्व अपेक्षाओं को और उसके निषेध को जानने का प्रयास करेंगे हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में शुरुआत से ले ऑफ अस्थाई छटनी सबको परिभाषित नहीं किया गया था लेकिन बाद में इस समस्या को देखते हुए संशोधन के माध्यम से एक एक क्लॉज जोड़ा गया और वो क्लॉज है धारा टू के के धारा टू के 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 में अस्थाई छटनी को परिभाषित किया गया है ले ऑफ को परिभाषित किया गया है पहले हम ले ऑफ को जानने का प्रयास करते हैं यह परिभाषा कहता है कि कोयला बिजली या कच्चे माल की कमी के कारण यहाँ तीन शब्द हैं कोयला बिजली या कच्चे माल की कमी के कारण या स्टॉक के संचय के कारण या मशीनरी के टूटने या प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से अगर नियोक्ता अपने नियोजन में कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है तो ऐसी दशा में वह कार्य बंद कर सकता है यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं इस परिभाषा की जो परिस्थितियाँ हैं उस पर ध्यान देना है हमें कि पहले भाग में यह कहता है कोयला बिजली या कच्चे माल की कमी की कारण के, के, कारण, के, के कारण या स्टॉक के संचय होने के कारण मशीनरी के टूटने के कारण या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में या अन्य किसी स्थिति में यहाँ पर जो शब्द अन्य किसी स्थिति में दिया हुआ है वो हमारे लिए एक समस्या प्रस्तुत करता है ऐसी स्थिति में किसी श्रमिक जिसका नाम उस नियोक्ता के मास्टर रोल पर दर्ज किया गया है उसे रोजगार देने में नियोक्ता या तो विफल रहता है या तो इनकार करता है या अक्षम होता है तो ऐसी दशा में उस श्रमिक की अस्थाई छटनी मानी जाती है वहाँ पर अस्थाई छटनी मानी जाती है उस श्रमिक की अर्थात हमें यह जानना है कि कुछ निश्चित दशाओं में ही अगर कार्य की अनुप, अनुपलब्धता है नियोक्ता के पक्ष पर तभी उसे हम अस्थाई छटनी मानेंगे और ये परिस्थितियाँ हैं कोयला बिजली या कच्चे माल का ना होना या फिर आ, उत्पादन का संचय होना मशीनरी का टूटना या प्राकृतिक आपदा का आना ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः नियोक्ता अपने कर्मचारी को कार्य उपलब्ध करने की स्थिति में नहीं होता है वह कार्य देने की स्थिति में नहीं होता है यहाँ यह समझना आवश्यक है कि छटनी के केस में अस्थाई-स्थाई दोनों छटनी के केस में जो कर्मचारी है वह कार्य करने के लिए तैयार है वह कार्य करने में सक्षम है लेकिन नियोक्ता कार्य देने में सक्षम नहीं है और यहाँ तीन शब्द यूज़ किया गया है नियोक्ता या तो विफल हो जाता है या तो कार्य देने से इनकार करता है या वह कार्य देने में अक्षम हो जाता है ऐसी स्थिति में नियोक्ता के द्वारा काम को बंद कर दिया जाएगा नियोक्ता के द्वारा उस उस कर्मचारी को काम से हटा दिया जाएगा और ऐसा हटाया जाना केवल अस्थाई समय के लिए होता है इसे अस्थाई छटनी कहते हैं यहाँ पर उद्देश्य यह है कि जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी जैसे ही सामान्य रूप से परिस्थितियाँ बन जाएंगी वहाँ पर नियोक्ता उद्योग में काम फिर से स्टार्ट कर देगा शुरू कर देगा और कर्मचारी आकर के अपना काम करेंगे ऐसी स्थिति में यदि किसी कर्मचारी को उसके उपस्थित होने के दो घंटे के भीतर नियोक्ता द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे अस्थायी छटनी कहते हैं यहाँ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा टू के 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 में जो डेफिनेशन दिया गया जो परिभाषा दी गई है उसमें बहुत ही तकनीकी अर्थ में दो घंटे का एक समय निश्चित किया गया है कार्य के समय पर कर्मचारी का उस उद्योग में उपलब्ध होना और उपलब्ध होने के दो घंटे के भीतर अगर उस कर्मचारी को काम नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर उपयुक्त परिस्थितियाँ अस्तित्व में हैं उनके कारण काम नहीं मिल रहा है तब इसे अस्थायी छटनी कहा जाए अब यहाँ यह भी समझने वाली बात है कि अगर किसी अन्य परिस्थिति में अगर किसी अन्य कारणों से जो एम्प्लॉयर है जो नियुक्ता है वह कर्मचारी को काम देने में सक्षम नहीं है और कर्मचारी अपने काम के स्थान पर जाता है और दो घंटे के अंदर वो काम नहीं पाता है तो उसको हमेशा अस्थाई छटनी माना जाए यह आवश्यक नहीं है उसे अस्थाई छटनी होने के लिए उपरुक्त दशाओं का पूरा किया जाना आवश्यक है अर्थात ऐसा ऐसे काम का अनुपलब्ध होना या तो कोयले या बिजली या कच्चे माल की कमी के कारण या फिर उत्पादन के संचय के कारण मशीनरी के टूटने के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण है या किसी अन्य कारण से या किसी अन्य कारण जो ये शब्द है ये आगे हम लोगों के लिए एक एक डिस्कशन का पॉइंट होगा इसके पश्चात यदि कामगार को दिन की पाली के दूसरे भाग के दौरान उपस्थित होने के लिए कहा जाए और उसे रोजगार दिया जाए तो उसे केवल आधे दिन के लिए अस्थाई छटनी माना जाएगा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं या तो कोयले की कमी है या फिर बिजली उपलब्ध नहीं है और ऐसा बिजली आना शाम की पाली में हो जाएगा अगर उस कर्मचारी को शाम की पाली में काम करने के लिए बुलाया जाता है सुबह की पाली में वह काम पर जाता है और उसे काम नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी इस परिभाषा के के अनुसार उसे एक अस्थाई छटनी माना जाएगा लेकिन ऐसा अस्थाई छटनी केवल आधे दिन के लिए होगा अर्थात अगर नियोक्ता के द्वारा अपने काम के शिफ्ट को केवल उन कारणों से चेंज किया जाता है अगर अगर कर्मचारी उपलब्ध होता है और उससे कहा जाता है कि आप काम के लिए शाम को आइए अभी बिजली नहीं है अभी कोयला नहीं है अभी कच्चा माल नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में वह भी एक अस्थाई छटनी होगा आधे समय के लिए यदि उसे स्वयं उपस्थित होने के बाद भी ऐसा कोई रोजगार नहीं दिया जाता है अगर कोई कर्मचारी जिसे शाम की पाली में बुलाया जाता है वह शाम की पाली में उपलब्ध होता है और शाम की पाली में भी उसे रोज़गार नहीं दिया जाता है तो उस दिन की पाली के दूसरे भाग के लिए अस्थाई छटनी नहीं माना जाएगा और वह उस भाग के पूर्ण मूल वेतन और महंगाई भत्ते पाने का हकदार होगा अर्थात अगर शाम को बुलाए जाने पर और शाम को भी उसे काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में फिर उसे केवल दूसरे भाग के लिए अस्थाई छटनी नहीं माना जाएगा ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रोविजन है जो उपबंध है वह यह कहता है कि उसे स्वयं उपस्थित होने के बाद भी ऐसा कोई रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे दिन की पाली के दूसरे भाग के लिए भी अस्थाई छटनी माना जाएगा और वह उस भाग के लिए पूर्ण मूल वेतन और महंगाई भत्ता पाने का हकदार होगा अब हम अस्थायी छटनी की प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं और इसी के साथ साथ हम स्थायी छटनी की प्रकृति की प्रकृति की भी चर्चा करेंगे जैसा हमने कहा कि जो छटनी है वह स्थायी हो सकता है वह अस्थायी हो सकता है यहाँ पर दो शब्द यूज किए जाते हैं अंग्रेजी भाषा में ले ऑफ और रेटरेंजमेंट जब हम ले ऑफ की बात करते हैं तो वो अस्थाई छटनी है और जब हम रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं तो वो स्थाई छटनी है अस्थाई छटनी में जो छटनी होता है वो अस्थाई प्रकृति का होता है उस कुछ घंटों के लिए कुछ दिन के लिए कुछ सप्ताह के लिए होता है उसके बाद जो जो कार्य है वह कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो जाता है और उस उद्योग में उत्पादन सामान्य हो जाता है इसके बाद जो अस्थाई छटनी है इसमें कर्मकार और नियोक्ता के बीच में जो नियोजन का अनुबंध हुआ है उसको केवल अस्थाई रूप से निलंबित किया जाता है समाप्त नहीं किया जाता है यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थाई छटनी की दशा में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का जो अनुबंध है उसके बीच का जो औद्योगिक संबंध है वह केवल अस्थाई समय के लिए औद्योगिक संबंध ना कहिए केवल अनुबंध कहिए के नियोजन का अनुबंध कहिए वह नियोजन का अनुबंध केवल अस्थाई समय के लिए निलंबित हो जाता है अस्थाई छटनी में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध समाप्त नहीं होता है अर्थात यहाँ पर एक औद्योगिक संबंध विद्यमान रहेगा यहाँ पर जो नियोजन का अनुबंध है वह नियोजन का अनुबंध अस्थाई समय के लिए आ, निलंबित हो जाएगा लेकिन साथ ही साथ जो औद्योगिक संबंध है वह औद्योगिक संबंध विद्यमान रहेगा अस्थाई छटनी एक आर्थिक उपाय है जो कर्मकार को प्रभावित नहीं करता अस्थायी छटनी एक जैसा कि जा कहा जाता है एक आर्थिक उपाय है आर्थिक उपाय किस संदर्भ में इस संदर्भ में कि अगर उद्योग में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है बिजली नहीं है वहाँ पर कोयला नहीं है या फिर वहाँ मशीनरी जो है वो टूट गई हैं उत्पादन का संचय हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक उत्पादन करने से कोई लाभ नहीं होगा ऐसी इस स्थिति में जो नियुक्ता है या तो वह उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है या फिर ऐसे उत्पादन अगर संचय की स्थिति है तो और उत्पादन करने से कोई लाभ नहीं होगा अगर ऐसी बात है तो क्यों न कुछ समय के लिए उद्योग में काम को रोक दिया जाए और जो नियोजन का अनुबंध है वो बना रहेगा और जो कर्मचारी हैं उनको अस्थाई निलंबन के लिए जो मुआवजा वगैरह है वो मिलता रहेगा लेकिन उनके जो जो अनुबंध हैं वो समाप्त नहीं होंगे अस्थाई छठनी की स्थिति में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुआवजा दिया जाता है आगे हम देखेंगे कि उस मुआवजे की राशि क्या होती है अस्थाई छठनी का निषेध हम सभी जानते हैं कि अगर छठनी की संकल्पना बहुत बलवत होती है किसी उद्योग में और नियोक्ता को एक एक पूर्ण अधिकार दे दिया जाता है कि वह छटनी कर सकता है स्थाई या अस्थाई तो ऐसी दशा में नियोक्ता के पास एक एक प्रभुत्व स्थापित करने का बहुत बड़ा माध्यम होगा और वह अपने इस प्राधिकार का गलत उपयोग करके किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय अपने नियोजन से हटा सकता है तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर फिर से राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और राज्य हस्तक्षेप करके यहाँ पर विधि बनाएगा विधि के माध्यम से नियोक्ता के उस उपचार को जो उसे छटनी के रूप में एक उपचार मिला हुआ है आर्थिक दबाव को दूर करने का ऐसे उपचार को विनियमित करने का प्रयास करेगा भारत में ऐसा विनियमन छटनी का विनियमन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत किया गया है लेकिन मूलतः उस अधिनियम में छटनी को विनिमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था बाद में नए प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं उन्नीस तिरपन के अमेंडमेंट के द्वारा उसके बाद उन्नीस के अमेंडमेंट के द्वारा नियोक्ता की अस्थाई छटनी के अधिकार पर उन्नीस में प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि देखा यह गया 1970 के दशक में जो सीमित अर्थों में नियोक्ता को छटनी का अधिकार मिला हुआ था उसका भरपूर यूज उपयोग किया जा रहा था और ढेर सारे कर्मचारियों को छटनी की जा रही थी ऐसी स्थिति में राज्य 1976 में संशोधन करके औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक संशोधन करके वहाँ पर एक नया प्रावधान जोड़ता है और वह प्रावधान हमको धारा 25 एम में मिलेगा धारा पच्चीस एम आ, केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों पर केवल उन्हीं उद्योगों पर लागू होता है जहां पर कम से कम सौ कार आ, कामगार सौ कर्मचारी कार्यरत हैं और यहाँ पर सौ कर्मचारी कार्यरत से तात्पर्य है कि पिछले बारह महीने में किसी भी दिन अगर सौ कर्मचारी काम पर हैं तो उस उसे इस आवश्यकता को पूरा माना जाएगा नियोक्ता द्वारा किसी भी कामगार को बदली या आकस्मिक कामगार के अलावा उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नौकरी से नहीं निकाला जाएगा अब यहाँ पर अस्थायी छटनी की स्थिति में भी जो सरकार के अनुमति की आवश्यकता है वह बहुत महत्वपूर्ण है इसका मतलब जो नियोक्ता है उस नियोक्ता को छटनी करने का एक असीमित अधिकार नहीं प्राप्त है जब भी नियोक्ता को लगता है कि छटनी की परिस्थितियाँ अस्थाई छटनी की परिस्थितियाँ उपस्थित हैं और वह उन परिस्थितियों में अपने उद्योग में छटनी कर रहा है कुछ कर्मचारियों के सेवा को एक समय के लिए निलंबित कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी उस एम्प्लॉयर को उस नियोक्ता को सरकार से उपयुक्त सरकार से या फिर उसके उसकी ओर से किसी किसी प्राधिकारी से अनुमति लेना पड़ेगा ऐसी छटनी बिजली की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण हो और खदान के मामले में ऐसी छटनी आग बाढ़ ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण भी हो सकता है हमने जो छटनी का परिभाषा देखा धारा टू के 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 में वह छटनी सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है वह वह प्रावधान सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है लेकिन धारा पच्चीस एम का जो प्रावधान है यह प्रावधान केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां पर कम से कम सौ कर्मचारी नियोजन में हैं। ऐसी छटनी में ऐसी छटनी बिजली की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण हो या खदान के मामले में ऐसी छटनी आग बाढ़ ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण भी हो सकता है इसके पश्चात यहाँ धारा पच्चीस एम में यह भी बताया गया है कि यदि छटनी आग बाढ़ या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण होता है तो नियोक्ता तीस दिनों की अवधि के भीतर छटनी जारी रखने की अनुमति के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन करेगा अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर किसी सामान्य उद्योग में नियोक्ता छटनी करने का एक निर्णय लेता है तो वहाँ पर वह सरकार की पूर्व सहमति लेकर के और छटनी कर सकता है लेकिन जहाँ तक खदान की बात है जहाँ तक किसी किसी खान की बात है वहाँ पर खदान में ऐसी कोई प्राकृतिक या फिर आग का आग का पकड़ना गैस का रिसाव होना या फिर वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनना यह बहुत बहुत ही प्राकृतिक प्रकृति के आपदा हैं और ऐसे में सरकार से अनुमति लेने का समय नियोक्ता को नहीं मिल सकता है ये सब ऐसे मामले होते हैं जो त्वरित रूप से सामने आते हैं और वहाँ पर तुरंत निर्णय लेना होता है वहाँ पर सरकार की अनुमति लेने का समय नहीं है ऐसे स्थिति में धारा पच्चीस एम में ये उपबंध किया गया है कि ऐसी स्थिति में आप अस्थाई छटनी कर सकते हैं लेकिन अस्थाई छटनी करने के बाद तीस दिनों के अंदर आपको सरकार से अनुमति लेना होगा उस छटनी को कंटिन्यू करने का उसको आगे चालू रखने का अर्थात तीस दिनों के भीतर आपने जो पूर्व में छटनी ली है खदान के संदर्भ में उसको आप सरकार की अनुमति लेकर के उसको एक वैधानिक मान्यता भी दे देंगे और अगर आवश्यकता है तो आगे के समय के लिए आपको छटनी करने की अनुमति मिल जाएगी इसी के साथ ही साथ जब हम छटनी की बात करते हैं तो छटनी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद उपयुक्त सरकार ऐसी अनुमति देगी अर्थात जब भी किसी उद्योग में छटनी अस्थाई छटनी की बात होती है तो वहाँ पर जब राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से जैसा मामला होगा अगर उससे अनुमति लेने के लिए नियोक्ता के द्वारा एक आवेदन दिया गया है तो सरकार उस आवेदन के विरुद्ध अनुमति देने से पूर्व उसके जो कर्मचारी हैं उनको भी सुनेगा अर्थात यहाँ पर सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि क्या सच में छटनी के कारण उपस्थित हैं ऐसी स्थिति में सरकार या तो अनुमति दे सकता है या अनुमति देने से इनकार कर देता है और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोक्ता को और एक प्रति कर्मचारियों को सूचित की जाएगी तो अस्थाई छठनी का जो भी निर्णय होगा सरकार के द्वारा जिसके बाद नियोक्ता को ये अधिकार होगा कि वो छठनी करे न करे तो ऐसा आदेश छठनी का आदेश भी हो सकता है और छठनी के आदेश से इनकार भी हो सकता है और यहाँ राज्य अपने ऊपर खुद एक जिम्मेदारी लेता है कि ऐसी स्थिति में नियुक्ता को सूचना देने के अतिरिक्त राज्य खुद अपनी तरफ से कर्मचारियों को सूचना देगा कि इस मामले में छटनी की जा रही है या इस मामले में छटनी नहीं की जा रही है जहां अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार 60 दिनों के अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या देने से इनकार करने के आदेश की सूचना नहीं देती है तो वहाँ पर 60 दिनों की समाप्ति पर अनुमति मानी जाएगी यहाँ पर लॉ ये मान कर के चलता है ये जो विधिक उपबंध हैं वो यह मान के चलते हैं कि अगर ऐसा कोई आवेदन अगले 60 दिनों तक सरकार के पास पड़ा हुआ है और सरकार का इस पर कोई निर्णय नहीं आता है तब 60 दिनों की समाप्ति के बाद यह मान लिया जाएगा विधि यह मान लेती है कि इस मामले में राज्य के द्वारा अस्थाई छटनी करने की अनुमति दे दी गई है ऐसा कोई भी आदेश अंतिम और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा राज्य के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश जो अस्थाई छटनी से संबंधित है वह आदेश अंतिम होगा और दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष तक लागू होगा मतलब अगर हम विधिक उपबंधों को देखें तो अस्थाई छटनी की जो मैक्सिमम जो अधिकतम सीमा है वह एक वर्ष तक की है किसी भी उद्योग में एक वर्ष तक अस्थाई छटनी हो सकता है अगर एक वर्ष से बाद भी अस्थाई छटनी करनी है तो शायद वहाँ अस्थाई छटनी न करके स्थाई छटनी का एक वो परिस्थिति बन जाए और वहाँ पर उस उस उद्योग को बंद करना पड़े हमेशा के लिए या फिर वहाँ पर क्लोजर करना पड़े तो छटनी के केस में अस्थाई छटनी के के, के स्थिति में यह अधिकतम सीमा एक वर्ष का है इसके बाद धारा 25 एम में यह भी प्रावधान किया गया कि जिस तारीख से कामगारों को काम से हटाया गया था जिस जिस तारीख से उनके काम का निलंबन हुआ था उस दिन से छटनी को अवैध माना जाए और कामगार कानून के तहत सभी लाभों के हकदार होंगे जैसे कि उन्हें काम से नहीं हटाया गया हो अगर इन उपबंधों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है और और इन उपबंधों के अनुसरण के बिना किसी कामगार को उसको उसके काम से हटाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में धारा 25 एम में यह उपबंध है कि जिस तारीख से कर्मगारों को काम से हटाया गया है उस दिन से छटनी को अवैध माना जाएगा मतलब अवैध होने का तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पर विधि के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया है और कामगार कानून के तहत विधि के तहत सभी लाभों के हकदार होंगे जैसे कि उन्हें काम से नहीं हटाया गया है अब नियोक्ता के लिए यह समझने वाली बात है कि अगर नियोक्ता कोई ऐसा छटनी करता है कोई ऐसा अस्थाई छटनी करता है जो विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं है तो वह छटनी अवैध छटनी माना जाएगा और अवैध छटनी के दौरान जो कामगार हैं वह कामगार पूरी मजदूरी के हकदार होंगे मानो कि वो काम से हटाए न गए हों काम बंद न हुआ हो वो पूरी मजदूरी के हकदार होंगे इसके बाद धारा पच्चीस एम में अस्थाई छटनी के लिए कामगारों को मुआवजा देने का भी उपबंध है अर्थात कामगारों को मुआवजा पाने का भी अधिकार है यह अधिकार उन्हें धारा 25 एम में मिला हुआ है जब भी किसी कामगार बदली और और आकस्मिक या कैजुअल कर्मकार को छोड़ करके जिसने किसी नियोक्ता के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो उसे नौकरी से हटा दिया जाता है तो उसे नियोक्ता द्वारा उन सभी दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा साप्ताहिक छुट्टियों को छोड़कर जो मूल वेतन महंगाई भत्ते के कुल 50 प्रतिशत के बराबर होगा तो इस तरह से अस्थाई छटनी के केस में जो मुआवजा पाने का अधिकार कर्मचारियों को दिया गया है उस उसके तहत एक आ, शर्त अधिरोपित किया गया है कि यह मुआवजा केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्होंने उस नियोजन की सेवा में कम से कम एक वर्ष का समय पूरा कर लिया हो उसके पश्चात नियोक्ता द्वारा उन सभी दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा साप्ताहिक अवकाशों को छोड़ करके छुट्टियों को छोड़ करके जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के पचास प्रतिशत के बराबर होगा अर्थात यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि अस्थाई छटनी के दौरान जबकि कोई कर्मचारी कोई कार्य नहीं कर रहा है उस दौरान जो उन्हें भुगतान किया जाएगा उन्हें जो मजदूरी का भुगतान किया जाएगा वह पूरे मजदूरी का केवल पचास प्रतिशत होगा यहाँ पर उनको संपूर्ण मजदूरी नहीं दी जाएगी और वैसे भी ऐसी स्थिति में किसी कर्मचारी को बिना काम किए ही मुआवजा दिया जा रहा है जब किसी को बिना काम के मुआवजा दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर वो पचास परसेंट भी है उसकी मजदूरी का पचास परसेंट भी है तो इसको हम न्यायोचित मान सकते हैं इसके साथ ही साथ धारा 25 ई में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वहाँ पर उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा नौकरी से निकालना और अस्थाई छटनी अलग अलग है इसके बाद यह भी उपबंध है कि अगर अस्थाई छटनी की स्थिति बन रही है और जो नियोक्ता है वह उसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता उसी प्रतिष्ठान के किसी दूसरे अनुभाग में या उसी शहर या गांव में स्थित जो कि पाँच मील की दायरे के, के दायरे में स्थित है वहाँ के किसी प्रतिष्ठान में अगर कर्मचारी को कोई वैकल्पिक नियोजन प्रदान कर रहा है और वह नियोजन कर्मचारी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है तब वह कर्मचारी किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा अर्थात जहाँ पर एक प्रतिष्ठान में काम किसी प्रतिष्ठान के एक अनुभाग में आ, काम उपलब्ध नहीं है लेकिन उसी प्रतिष्ठान के दूसरे अनुभाग में काम उपलब्ध है और नियोक्ता इस कर्मचारी को एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में भेजता है या फिर वह नियोक्ता अपने किसी अन्य प्रतिष्ठान में जो कि उस प्रतिष्ठान से पाँच मील की दूरी के दायरे में ही है वहाँ किसी प्रतिष्ठान में किसी अनुभाग में काम उपलब्ध करा रहा है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को वह काम स्वीकार करना पड़ेगा और अगर वह काम स्वीकार नहीं करता है तो वह अस्थाई छटनी के लिए हकदार नहीं होगा ऐसी स्थिति में अस्थाई छटनी का मामला नहीं बनता है और और अगर ऐसा मामला बनता है अगर अगर कोई कर्मचारी वैकल्पिक नियोजन को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह नियोजन से बाहर माना जाएगा और नियोजन से बाहर होने की स्थिति में उसे कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा इसके बाद वह दिन में कम से कम एक बार सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान नियत समय पर प्रतिष्ठान के काम के लिए उपस्थित नहीं होता है अगर ऐसी भी कोई स्थिति होती है कि कोई कर्मचारी किसी नियोजन में होते हुए उस नियोजन में काम के समय काम करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस स्थिति में कर्मचारी को नियोजन से बाहर माना जाएगा और कर्मचारी को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा इसके पश्चात यदि ऐसी छटनी प्रतिष्ठान के किसी अन्य हिस्से में काम करने वालों की ओर से हड़ताल या उत्पादन में मंदी के कारण हुई है तो वहाँ पर भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। सामान्यतः होता यह है कि कि एक आर्थिक दबाव के रूप में जब कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल के माध्यम का उपयोग किया जाता है अपने नियोक्ता पर दबाव बना करके अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए और किसी हड़ताल की स्थिति में अगर नियोक्ता वहाँ पर उद्योग को कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद करता है क्योंकि वहाँ काम करना संभव नहीं है उत्पादन संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो कर्मचारी होगा वह मुआवजे का हकदार नहीं होगा अब हम आते हैं स्थाई छटनी पर स्थाई छटनी क्या होता है जिसको हम इंग्लिश भाषा में अंग्रेजी भाषा में रिट्रेंचमेंट के नाम से जानते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की धारा टू ओ, ओ में स्थायी छटनी को परिभाषित किया गया है और यहां पर यह परिभाषा थोड़ा विस्तृत है जो कि अस्थायी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी की सेवा को किसी भी कारण से समाप्त करना किसी भी कारण से समाप्त करना अगर नियोक्ता किसी भी कारण से अपने अपने कर्मचारी की सेवा को समाप्त करता है उसके नियोजन को समाप्त करता है उसके काम को समाप्त करता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो जो मामला बनता है उसे स्थायी छटनी का मामला कहते हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी कर्मचारी की सेवा का समाप्त किया जाना किसी दंड के फलस्वरूप नहीं होना चाहिए अगर किसी कर्मचारी को किसी अनुशासन की गतिविधि में लिप्त पाए जाने के लिए कोई पनिशमेंट कोई दंड दिया जा रहा है तब उसे स्थाई छटनी या रिट्रेंचमेंट नहीं कहा जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि नियोक्ता को एक अधिकार प्राप्त है सेवा समाप्त करने के लिए और ऐसा समाप्त किया जाना सेवा समाप्त किया जाना किसी भी कारण से हो सकता है अब यहाँ पर अगर हम से इस छठने की प्रकृति इस स्थायी छठने की प्रकृति की बात करें तो स्थायी छठने केस में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का जो संबंध है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाता है वह केवल एक, एक, एक निश्चित समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है वहां पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई संबंध किसी भी संदर्भ में बरकरार नहीं रहता है इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इस परिभाषा में कुछ चीज़ें शामिल नहीं हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है उसमें यह है कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अगर कोई कर्मचारी किसी उद्योग में काम करने के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का एक विकल्प लेता है उसे सिलेक्ट करता है उसे चूज करता है तो ऐसी स्थिति में वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रिट्रेंचमेंट या फिर स्थायी छटनी नहीं माना जाएगा इसके बाद सेवा निवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर कर्मचारी की सेवा निवृत्ति अगर कोई कर्मचारी अपने सेवा निवृत्ति की आयु पर पूरा कर लिया है अगर वो 60 साल की आयु तक के लिए नियोजन में था और वो 60 साल का नियोजन पूरा हो गया है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमेशा के लिए नियोजन नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो नियोजन का अनुबंध था वह समाप्त हो रहा है इसका भी समाप्त होना एक स्थायी प्रकृति का है लेकिन इस स्थायी प्रकृति के संबंध के समाप्त होने को छटनी नहीं कहा जाता है इसके पश्चात रोजगार अनुबंध के नवीनीकरण न होने के फलस्वरूप कर्मचारी की सेवा का समाप्त होना अगर किसी कर्मचारी की सेवा हमेशा के लिए समाप्त की जा रही है स्थायी रूप में समाप्त की जा रही है और वह इसलिए समाप्त हो रहा है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो अनुबंध था जो संविदा थी उसका समय पूरा हो गया है और नियोक्ता उस उस संविदा का रिन्यूअल नहीं करता उसका नवीनीकरण नहीं करता अर्थात अगर किसी नियोजन की संविदा में यह लिखा हुआ है कि किसी कर्मचारी की सेवा केवल अगले पाँच साल तक के लिए होगी तो पाँच साल के बाद वह सेवा स्वतः समाप्त होगा और यह स्थायी रूप से समाप्त होगा लेकिन ऐसे स्थायी रूप से समाप्त होने को हम रेटरेंजमेंट या फिर स्थायी छटनी नहीं कहते हैं। यह परिभाषा यह भी बताता है कि लगातार खराब स्वास्थ्य के आधार पर एक कर्मचारी की सेवा समाप्त करना छटनी नहीं है स्वास्थ्य के आधार पर अगर कोई कर्मचारी किसी स्वास्थ्य के कारण अपने स्वास्थ्य के बुरे स्वास्थ्य के कारण काम करने में सक्षम नहीं है और उसके आधार पर उसके नियोजन का जो आ, संबंध है वह खत्म किया जा रहा है अनुबंध खत्म किया जा रहा है हमेशा के लिए तो ऐसी दशा में भी वह छटनी नहीं है अब यहाँ पर इस परिभाषा में जहाँ अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार साठ दिनों के अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या देने से इनकार करने के आदेश की सूचना नहीं देती वह किसी भी कारण से आ, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती है अब यहाँ पर हमें यह औद्योगिक विधि का यह दर्शन जानने की आवश्यकता है कि जो छटनी की संकल्पना है छटनी की संकल्पना का उद्देश्य यह है कि जो नियोक्ता के ऊपर आर्थिक भार बढ़ रहा है आर्थिक दबाव बढ़ रहा है उसको कम करना तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो नियोक्ता को छठनी करने का अधिकार प्राप्त है वह छठनी करने का अधिकार उसके आर्थिक भार या आर्थिक दबाव को कम करने के लिए अर्थात यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो छटनी का, का अधिकार प्राप्त है जो छटनी करने के लिए अनुमति प्राप्त है नियोक्ता को वह केवल आर्थिक कारणों से होना चाहिए लेकिन भारत में विभिन्न मामलों में यह विवाद का विषय रहा हुआ है कि जो शब्द किसी भी कारण का उपयोग किया गया है रिट्रेंचमेंट की परिभाषा में उसका क्या मीनिंग है उसका क्या अर्थ है बरसी लाइट रेलवे कंपनी बनाम जोगेलकर के मामले में उन्नीस में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और सुप्रीम कोर्ट को यह अर्थान्वयन करना था यह निर्वचन करना था कि जो किसी भी कारण शब्द की व्याख्या है उसका क्या अर्थ है या उसकी क्या व्याख्या है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कारण से मतलब कोई भी ऐसा कारण जो आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है वही होगा अर्थात जो छटनी में हम ये देख रहे हैं कि नियोक्ता को किसी भी कारण से कर्मचारी को अपने नियोजन से हटाने का अधिकार प्राप्त है वहाँ पर किसी भी कारण में केवल और केवल आर्थिक कारणों को ध्यान में रखा जाएगा अर्थात जब आर्थिक दबाव को कम करने के लिए और आर्थिक भार को कम करने के लिए छटनी का प्रावधान है तो ऐसे में छटनी केवल और केवल आर्थिक आधार पर ही किया जाना चाहिए इसके पश्चात हम स्थाई छटनी के पूर्व की स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे कि स्थायी छटनी करने से पहले नियोक्ता को क्या क्या आवश्यकताओं को किन किन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए कामगारों की छटनी से पूर्व की स्थितियाँ धारा 25 एफ में दी गई हैं और धारा 25 एफ सामान्यतः सभी उद्योगों में लागू होता है जहां पर सौ से कम कर्मचारी नियोजित हैं वहां पर भी ये लागू होता है किसी भी कर्मचारी को जो कम से कम एक वर्ष से लगातार सेवा में हो तब तक छटनी नहीं की जाएगी जब तक कि निम्नलिखित शर्तों को न पूरा किया सकते अब यहाँ पर भी हमें यह देखना है कि कि राज्य ने इस इस विधि के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस के माध्यम से कुछ शर्तें अधिरोपित की हैं अगर उन शर्तों का पालन नहीं किया जाएगा तो छटनी अवैध हो जाएगी छटनी विधिक नहीं होगी और इसके साथ ही साथ यह भी प्रावधान दिया गया है कि यह उपबंध उसी संदर्भ में लागू होगा जहां पर कर्मचारी कम से कम एक वर्ष की सेवा में रहा हुआ है पहला है कर्मचारी को छटने के कारणों को दर्शाते हुए एक महीने का लिखित नोटिस दिया जाए और नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है यहाँ जो पहली आवश्यकता है छटने की वह आवश्यकता सूचना देने की है जब भी नियोक्ता किसी किसी कर्मचारी का स्थायी रूप से छटनी करना चाहता है तो स्थायी रूप से छटनी करने से एक महीने पूर्व इसकी सूचना उस कर्मचारी को दी जाएगी और जो सूचना देने के बाद जो सूचना की अवधि है तीस दिन की जो अवधि है वो अवधि पूरी हो जाएगी उसके बाद ही किसी कर्मचारी की छटनी की जा सकती है दूसरा रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कर्मचारी को ऐसे नोटिस के बदले नोटिस की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाता हो किया गया हो अगर नियोक्ता को नोटिस के दौरान नोटिस नहीं देने की आवश्यकता या नोटिस नहीं देना चाहता है वह तुरंत छटनी करना चाहता है तो नोटिस के पीरियड का मतलब तीस दिन का अगर वह भुगतान कर देता है एडवांस में तो वहाँ पर वह ऐसा करके छटनी कर सकता है तीसरी स्थिति यहाँ पर यह है कर्मचारी को छटनी के समय मुआवजा दिया गया है जो निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके छ महीने से अधिक के किसी हिस्से के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा अगर स्थायी छटनी की जा रही है नियोक्ता के द्वारा तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को एक मुआवजा दिया जाएगा और वह मुआवजा है जो निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छः महीने से अधिक किसी हिस्से के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा अर्थात जो कर्मचारी उस नियोजन में जितने लंबे समय से रहा है उसको उतना ज्यादा मुआवजा प्राप्त होगा मुआवजे का जो दर है वह है एक साल की सेवा के लिए पंद्रह दिन की मजदूरी के बराबर का मजदूरी इसके साथ ही साथ छटनी करने से पूर्व उपयुक्त सरकार या प्राधिकारी को नोटिस दिया जाता है अगर नोटिस नहीं दिया जाता है राज्य को सूचना नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह छटनी वैधानिक नहीं माना जाएगा इस छटनी के लिए राज्य की अनुमति प्राप्त नहीं होती है साथ ही साथ थोड़ा सा अगर हम नए विकास को देखें जब 1976 में कुछ नए उपबंध यहाँ पर जोड़े गए हैं तो ऐसी स्थिति में स्थाई छटनी से पूर्व की स्थितियों में कुछ कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं जो कि धारा 25 एन में हैं ऐसे है उद्योग जहाँ पर सौ या सौ से अधिक कर्मचारी नियोजन में हैं ऐसी स्थिति में कामगार को छटने के कारणों को दर्शाते हुए तीन महीने का लिखित नोटिस दिया गया है और नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है तभी उन्हें छटनी करके हटाया जा सकता है मतलब कोई ऐसा उद्योग जहाँ पर सौ से कम आ, कामगार कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर नोटिस पीरियड की जो अवधि है वो केवल तीस दिन की है लेकिन जहाँ पर सौ या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो नोटिस पीरियड की अवधि है वह अवधि तीन महीने हो जाती है और और तीन महीने की नोटिस पीरियड की अवधि के बाद तीन महीने का समय बीत जाता है उसके बाद ही छटनी किया जाएगा कामगार को ऐसे नोटिस के बदले मुआवजा दे करके के भी मज़दूरी का भुगतान करके भी उन्हें छट चट, उनकी छटनी की जा सकती है तो या तो नोटिस का पीरियड पूरा किया जाएगा या तो उसके बदले मज़दूरी का भुगतान किया जाएगा और इस तरह से छटनी की जाएगी ऐसी दशा में उपयुक्त सरकार की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है उपयुक्त सरकार तात्पर्य अगर वह उद्योग केंद्र सरकार के अधीन आता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन आता है तो राज्य सरकार उस सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है बिना सरकार की अनुमति के आ, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी और सरकार की अनुमति लेने के लिए नियोक्ता को सरकार को एक निश्चित प्रारूप में आवेदन करना होगा और उस आवेदन के फलस्वरूप उसे यह अनुमति मिलेगी कि वह छटनी कर सकता है या नहीं कर सकता है सरकार को जब भी ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होता है नियोक्ता के द्वारा तो ऐसी स्थिति में सरकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को सुनवाई का अवसर देने के बाद यह निर्णय लेता है कि छटनी करना है या नहीं करना ठीक और अग, अग, ऐसी स्थिति में सरकार या तो छटनी की अनुमति देता है या अनुमति देने से इनकार कर देता है तो दोनों परिस्थितियों में सरकार का अपना निर्णय होगा या तो अनुमति दी जाएगी या तो इनकार किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोक्ता और काम करने वालों को सूचित की जाएगी नियोक्ता और, और कर्मचारी को ऐसे आदेश की जो सूची है वह सूची सरकार के द्वारा प्रसिद्ध की जाएगी अर्थात सरकार के द्वारा दोनों पक्षकारों को ये सूचना दिया जाएगा कि हाँ इस मामले में छठनी हो रहा है या इस मामले में छठनी नहीं हो रहा है स्थायी छटनी की प्रक्रिया नियुक्ता आमतौर पर उस कामगार को हटा देगा जो नियोजित होने वाला अंतिम व्यक्ति है यहाँ पर आ... फर्स्ट कम लास्ट गो लास्ट कम फर्स्ट गो का सिद्धांत फॉलो किया जाता है जब भी अगर अगर किसी उद्योग में सौ कर्मचारी हैं और केवल दस कर्मचारी का छटनी करना है तो वह दस कर्मचारी वो दस कर्मचारी होंगे जो सबसे बाद में नियोजन में आए हुए हैं ये, ये एक सामान्य से सामान्य सा, संकल्पना आ, सारे उद्योगों में आ, अनुसरित की जाती है और जिसका जिक्र औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा पच्चीस जी में भी दिया गया है स्थायी छटनी किए गए कर्मगारों को पुनः रोजगार देना अगर उस छटनी करने के बाद नियोक्ता अपने उद्योग को पुनः शुरू करना चाहता है और पुनः शुरू करने के लिए वह फिर से नियोजन के, के प्रस्ताव को रखता है तो ऐसे में अगर उसका कोई पूर्व कर्मचारी नियोजन में आने के लिए इच्छुक है आवेदन करता है तो ऐसे कर्मचारी को वरीयता दी जाएगी तो तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों को जिनकी छटनी की गई है वरीयता दे करके उनके हितों को सुरक्षित करने या फिर उन्हें जो नुकसान हुआ है उसे भरपाई करने का एक प्रयास किया जाता है और ऐसा उपबंध आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा टू एच में मिलेगा पूर्व अनुमति के बिना छटनी पूर्व अनुमति के बिना स्थायी छटनी और अस्थायी छटनी के लिए जुर्माना धारा 25 क्यू में ऐसा उपबंध किया गया है जिसके अनुसार कोई भी नियुक्ता जो धारा 25 एम या धारा 25 एन के प्रावधानों का उल्लंघन करता है धारा 25 एम में अस्थायी छटनी की पूर्व आवश्यकताओं को दिया गया है और धारा 25 एन में स्थाई छटनी की आवश्यकताओं को दिया गया है अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे नियोक्ता को एक महीने की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में हमें याद रखना होगा कि अगर सरकार की अनुमति के बिना अगर स्थाई या अस्थाई छटनी किया जाता है सरकार की अनुमति के बिना आ, ले ऑफ ट्रेंचमेंट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो नियुक्त है वो दंड का भागीदार होगा अंत में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने अस्थाई और स्थाई छटनी के अर्थ को समझा हमने इस व्याख्यान में अस्थाई और स्थाई छटनी की संकल्पना को जानने का प्रयास किया हमने स्थाई और अस्थाई छटनी के बीच अंतर स्थापित करने का प्रयास किया इसके पश्चात हमने स्थाई और अस्थाई छटनी की प्रकृति को समझा कि किस तरह से स्थाई छटनी में नियोजन का संबंध समाप्त हो जाता है और अस्थाई छटनी में नियोजन का संबंध बरकरार रखता है इसके पश्चात हमने अस्थाई और स्थाई छटनी की पूर्व स्थितियों को जाना तथा अस्थाई और स्थाई छटनी के क्या निषेध हैं किन परिस्थितियों में स्थाई और अस्थाई छटनी के लिए अनुमति नहीं है उसको भी जानने का प्रयास किया अंत में हमने अस्थाई और स्थाई छटनी को प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया धन्यवाद